मैरी क्रिसमस। क्रिसमस। ये सस्ता सेंटा क्लॉज ये सस्ता सेंटा क्लॉथ है। है। हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम वेलकम टू टू आवर आवर न्यू न्यू ब्लॉग। ब्लॉग। आज है क्रिसमस और हम लोग जा रहे हैं चर्च। चर्च, मैरी क्रिसमस गाइस। वैसे हम लोग जा रहे हैं चर्च, एंड वहां से आने के बाद हमें घर में भी डेकोरेशन करना है, क्रिसमस ट्री को सजाना है, और देखना है कि सेंटा कौन बनेंगे। सो मिलते हैं चर्च में। गाइस, हम लोग आ गए हैं चर्च। कैंडल वैंडल हम लोग जला दिए अंदर, एंड अभी जा रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे इसके पीछे जस्ट गार्डन है, वहीं पे थोड़ा सा घूम लेते हैं, बाबू को भी घुमाते हैं। चलो आपको दिखाते हैं। इधर आ जा बेटा, इधर आ जा। फोटो नहीं ले रहे, इधर वीडियो। चलो चलो। अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि घर में भी बहुत सारा तैयारी करना है क्रिसमस का। अभी तक तो हमने ना ट्री सजाया ना कुछ भी नहीं किया, सब ऐसे हमें जल्दी जल्दी उठे तो यहाँ, क्योंकि हमारे घर से थोड़ा सा दूर है। तो अब चलते हैं घर। बाय, तब तक मिलते हैं घर जाके। बाय। गाइस, हम लोग चर्च से आ गए घर और अब क्रिसमस ट्री बनाने का तैयारी करेंगे हम लोग। वैसे क्रिसमस सेलिब्रेट करने का हमारा कोई ज़्यादा खास प्लान नहीं था। हम कल गए थे मार्केट, तो फिर वहाँ पे जाके रोने लगा कि मुझे भी क्रिसमस ट्री चाहिए। तो फिर हम लोग सोचा कि चलिए हम लोग छोटा सा क्रिसमस ट्री लेते हैं, उसे डेकोरेशन का थोड़ा सामान लेते हैं, जिससे हमारा और हमारे घर में कुछ लाइटिंग वाइटिंग है, उसे अच्छा से डेकोरेशन करके हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। देखो ये देखा है, पहली बारी क्रिसमस ट्री, ये इसको लगा हुआ कि क्या है ये, क्या है ये, फिर इसमें लाइट वाइट लगा हुआ था, ये इतना रोने लगा क्रिसमस ट्री के लिए नहीं चाहिए चाहिए। चलो हम तो हम क्रिसमस ट्री ला ली और उसको भी डेकोरेट करके उसको अच्छे से। चलो अब हम आपको दिखाते हैं कि हम अपना क्रिसमस कैसे डेकोरेट करते हैं क्रिसमस ट्री को। लाइट वाइट लगा दी ना तो और अच्छा लग रहा है। अरे अपन तो बुलाना भूल गए, कॉटन। हे भगवान, क्या करना है। अरे कॉटन लाते तो कॉटन को ऐसे ऐसे सजाते तो और अच्छा लगता ना, ऐसा लगता बर्फ जिस जैसे। और नहीं लाए। अच्छा रुक, एक जुगाड़ है। क्या चीज? सक्सेस हो जाए तो अच्छा है, जुगाड़ तो है। ये देख के तकिया फटा है ना। हाँ। इसी का कॉटन निकाल के यूज कर ले। नहीं है, तकिए का कॉटन है। गाइस देखो, देसी जुगाड़ लगा ही लिए हम लोग। गाइस हमारा देसी जुगाड़ देख रहे हो ना आप। सब लोग कॉटन करते, हम तकिए का उसको निकाल के कर रहे हैं। डन ना, पूरा हो गया ना। हाँ पूरा हो गया। ठीक, सो गाइस हमारा क्रिसमस ट्री पूरा रेडी हो गया, हम दोनों ने मिल के पूरा डेकोरेट कर दिया। अब मैं आपको सामने से दिखाता हूँ और आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा हमारा डेकोरेशन छोटा सा। हाँ।
गाइस आप लोगों ने देखा कि हमारा क्रिसमस ट्री रेडी हो गया है, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि सेंटा कौन बनेगा। तो मैं और रूपा दोनों डिसाइड करके मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस हमारे घर में आए हैं सेंटा, तो चलिए मैं उनसे आपको मिलाता हूँ। आइए सेंटा जी। ये हमारे सेंटा क्लॉथ। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। ये देखो सांता है। मैरी क्रिसमस माय चाइल्ड, मैरी क्रिसमस, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। डर रहा है, इसको पता नहीं इसकी मम्मी है। अरे माँ है बेटा, मम्मी कौन है? ये डर रहा है, इसके पास नहीं जा रहा है। मेरी क्रिसमस माय चाइल्ड, मेरी क्रिसमस, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को मेरी क्रिसमस। गाइस भगवान करे आप लोग की सभी इच्छाएं पूरी हो और हमेशा आप लोग खुश रहें, यही हमारी दुआ है। और इसी के साथ हम लोग अब यही वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग क्रिसमस इंजॉय करें। आइए, सांता का मूंछ भी निकल रहा है तो ज़्यादा देर तक। ये सस्ता सांता क्लॉथ है, ये सस्ता सांता क्लॉथ है। इसको सांता को ज़्यादा देर तक हम लोग रोक नहीं सकते, नहीं तो सांता नीचे गिर जाएंगे। सो गाइज अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो एंड करने से पहले मैं पूछना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, ये पहला सांता है इतना कंजूस कि अभी तक कुछ गिफ्ट नहीं दिया है, बस फोकट में सांता बन गई है। तुम्हारे लिए थैंक यू, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस माई चाइल्ड, मैरी क्रिसमस। आना बेटा, तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ।